हेलो मॉमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छोटे बच्चों के पॉटी में खून आने के कुछ घरेलू उपचार। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फर्स्ट पॉइंट है फाइबर। बच्चों की डाइट में फाइबर भरपूर मात्रा में ऐड करें। फाइबर में आपको दाल, दलिया, जितने भी जूसी फ्रूट्स होते हैं वो सब आपके बच्चे को डाइट में रोज़ाना देना है। इससे जो है बच्चे को स्टूल जो है वो आसानी से पास होगी, और साथ ही अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे स्टूल की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, वो आपको सबसे पहले रिकमेंड करेंगे कि बच्चों को जो है वो फाइबर भरपूर मात्रा में दें। फाइबर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि हमारे स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉट वाटर बाथ। अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है तो आप उसे कुछ देर के लिए गुनगुने पानी में बैठा सकते हैं, अगर बच्चा कंफर्टेबल हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा जैसे ही पॉटी कर ले उसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट की अच्छी तरीके से सफाई करें, ताकि बच्चे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। हो सके तो उनके प्राइवेट पार्ट की सफाई हल्के गुनगुने पानी से करें। नेक्स्ट पॉइंट है अगर बच्चा बहुत लंबे समय से हार्ड पॉटी कर रहा है और बच्चे के पॉटी के पास का जो एरिया है वो छिल गया है, तो आप जब उसे अच्छे से धोकर उसे ड्राई कर उसके बाद वहाँ पे क्रीम या फिर पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे को पानी भरपूर मात्रा में पिलाएं। इसके साथ अगर हो सके तो बच्चे को हमेशा हल्का गुनगुना पानी या फिर बॉइल्ड वाटर दें, जिससे बच्चे को जो किसी भी तरीके का इन्फेक्शन ना हो, और साथ ही उन्हें हाइड्रेट रखें, क्योंकि पानी जो है वो सॉल्यूशन है सभी प्रॉब्लम्स का, चाहे वो बच्चों के प्रॉब्लम हो या बड़ों के प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की डाइट में हरी सब्जियां किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप हरी सब्जियां बच्चों की डाइट में ज़रूर दें, क्योंकि हरी सब्जियों में जो होते हैं सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम सभी चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में किसी भी तरह की क्वेरी आप पूछ सकते हो। इसके साथ अगर ये समस्या आपके बच्चे को बार बार हो रही है तो बिना देरी किए और सबसे पहले सलाह जो है वो डॉक्टर की लें।